बहन बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। राकेश कभी उसके घर नहीं गया। होली दिवाली भाई दूज पर कभी कभी उसके मम्मी पापा जाते हैं। राकेश की बीवी एक दिन राकेश से कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। यह बात सुनकर राकेश को बहुत गुस्सा आया। राकेश बोला, मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, जिसके बाद राकेश ने माँ से गुस्से में बोला, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भाई दूज पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने राकेश की सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। राकेश ने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो राकेश ने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन राकेश ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। राकेश की बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, वह बेचारी खामोश रही। राकेश का बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद राकेश के बड़े बेटे को टीबी हो गई। राकेश के पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। राकेश बहुत परेशान था, 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। राकेश बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। राकेश गुस्से में बोला, अब ये आ गई है मनुस। राकेश ने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए, तो बीवी राकेश के पास आकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद राकेश की बहन राकेश के पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने राकेश के सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर राकेश के करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, राकेश के हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर बेटे का इलाज करवा, शक्ल तो देख जरा क्या हालत बना रखी है तुमने। राकेश खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। और 1000 रुपये राकेश को दिए, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी, राकेश की जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ राकेश के सर पे रखा और देख तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ राकेश ने देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी, जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ राकेश की पत्नी की आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठ कर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती है, भगवान की एक सुंदर रचना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।